अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मेरा फोर्थ ट्रैक डे है। इस वक्त मैं पिट लेन पे खड़ा हुआ हूँ। इंटरमीडिएट ग्रुप इस वक्त ट्रैक पर है, तो ये भी बहुत फास्ट हैं और बहुत अच्छी राइड कर रहे हैं, लेकिन वेदर क्योंकि थोड़ा वेट है, इस वजह से चाहे एडवांस राइडर हो चाहे इंटरमीडिएट राइडर हो, सभी ने थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस लूज़ किया है। तो ये गैरेजेज हैं मेरे सीधे हाथ पे, और ट्रैक डे का असल फन जो है ड्राई वेदर में ही है, लेकिन वेट वेदर में अगर कोई राइडर राइड कर रहा है तो इट मीन ही इज़ अ वेरी स्किलफुल राइडर, वेरी एक्सपीरियंस राइडर। तो जब तक के वेट वेदर में और ठंडे वेदर में राइड नहीं करेंगे तो वो एक्सपीरियंस और स्किल तो हासिल नहीं होगा, तो करना चाहिए। इसलिए मैं स्टिल यहाँ पर हूँ और शाम तक रहूँगा डिस्पाइट ऑफ हैविंग वेट वेदर। इंटरमीडिएट ग्रुप है लेकिन ये भी बहुत फास्ट है, और देखने का जो एक जो इंटरटेनमेंट और एन्जॉयमेंट है वो चलाने से भी समटाइम ज़्यादा होती है। तो कुछ राइडर्स हैं वो चला के आते हैं और यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। आप अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप हमें कैमरामैन से पूछ लीजिए, 8-8 घंटे खड़े होके वो देखते हैं यहाँ पर जो है इवेंट को, और ये बहुत खुश रहते हैं, इंजॉय करते हैं। तो जैसे कि आप पीछे अगर मूव करें कैमरा, आप देख लें कि राइडर, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, आप पीछे राइडर्स को देखें, ये अपनी राइड करके आते हैं और यहीं खड़े रहते हैं, क्योंकि देखने का भी एक फन है, एक इंजॉयमेंट है। ये देखिए वहाँ पर खड़े हैं और इक्वली इंजॉय कर रहे हैं जितना कि राइडर इंजॉय कर रहे हैं उसको देखना और उसको वाला बहुत फास्ट था। अच्छा, ट्रैक की एक बात जो है मैंने 4 ट्रैक डेज में नोट की है कि ये अगर यहाँ पर जैसे लॉन्ग स्ट्रेट है और इसके ऊपर 160 माइल्स या 150 या 170 माइल्स पे भी राइडर आ रहा है तो इट इज़ क्वाइट सेफ। वो अनसेफ फील नहीं कर रहा होता, अनसेफ सिर्फ उस वक्त फील करता है राइडर जब जब रोड के ऊपर पॉटहोल्स हों, या फिर रोड के ऊपर अनइवन सरफेस हो, या फिर रोड के ऊपर ऑनकमिंग व्हीकल्स आ रही हैं, या फिर कोई व्हीकल क्रॉस कर रही है, जंक्शन आ रहे हैं, तो उसकी वजह से जो है कॉन्फिडेंस लूज होता है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो राइडर्स आर क्वाइट सेफ। इवन दो दे आर डूइंग 200 माइल्स और 190 माइल्स, इट्स नॉट एज रिस्की एज 60 माइल और 70 माइल पर आवर स्पीड इज ऑन द नॉर्मल रोड। तो अगर राइडर यहाँ पे 200 फास्ट, तो राइडर अगर यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रेट्स के ऊपर 200 माइल भी जाते हैं तो वो बहुत रिस्की नहीं होता। ट्रैक की सरफेस बहुत ज़बरदस्त है, टायर स्टिकी होते हैं, टायर बहुत अच्छा ग्रिप करते हैं, टायर बहुत अच्छा रोड को ग्रिप करते हैं, और इन बाइक्स की ब्रेकिंग बहुत अच्छी होती है, रेडियल ब्रेक्स होते हैं, तो दे स्टॉप लाइक दैट जस्ट अ सेकेंड। तो एक सेकेंड में बाइक एक्सेलरेट करती है और नेक्स्ट सेकंड में वो अपनी स्पीड को ड्रॉप भी कर देती है। एक तो इंजन ब्रेकिंग होती है, दूसरी जो ब्रेक पैड से जो ब्रेकिंग होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये भी एक स्किल है ट्रैक के ऊपर, जिसकी ब्रेकिंग जितनी अच्छी है वो उतना ज़्यादा अच्छा एक्सेलरेट भी कर सकता है, जिसकी ब्रेकिंग जितनी अच्छी है वो उतना लेट ब्रेकिंग करके लीन ओवर करके कॉर्नर्स कर सकता है और वो दूसरे राइडर्स पे एज लेता है। और इसी तरह वैलेंटिनो रोसी की खुद कहते हैं वो अपनी ज़बान से कि उनकी वो दूसरे राइडर्स पे अपनी ब्रेकिंग का ही एज लेते हैं कि उनकी ब्रेकिंग बहुत ज़बरदस्त है।
तो ब्रेकिंग, तो ब्रेकिंग जो है एक स्किल है, ब्रेकिंग के और ब्रेकिंग के स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़रूरी एज कम्पेयर टू अदर स्किल्स। हर स्किल ज़रूरी है, इसके अंदर ब्रेकिंग है, एक्सेलरेशन है, फुट पोजीशन है, कंट्रोल है, बॉडी पोजीशनिंग है, ओवरऑल बाइक का जो की जो साइंस है उसको समझना, ओवरऑल बाइक की साइंस को समझना, टायर्स को समझना, कौन से ब्रेक्स यूज़ करने हैं, कौन सी स्टीयरिंग डैम्पर डालना है या फिर कौन सी मॉडिफिकेशन करनी है बाइक वाइज और स्किल वाइज, दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर राइडर बहुत अच्छा है और बाइक में उतने अच्छे मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई है, ट्रैक के हिसाब से, ट्रैक के हवाले से मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई है अगर बाइक के अंदर, तो वो स्टिल एज नहीं ले सकता। एज राइडर एज अपनी राइडिंग स्किल से भी लेते हैं और अपनी मोटर बाइक रिलेटेड मॉडिफिकेशन से भी लेते हैं जो कि वो मॉडिफाई करते हैं ट्रैक डेडिकेटेड मशीन बनाने के लिए उसको, तो दोनों बहुत अहम है। बहुत ज़बरदस्त ट्रैक डे है आज का, ठंडा डे है, वेट डे है, लेकिन स्टिल आई एम एंजॉइंग इट। अदर पीपल नहीं, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, स्टिल आई एम एंजॉइंग इट। हाउएवर अदर आर नॉट एंजॉइंग, दे आर गोइंग बैक। ये देखें वो सारे जा रहे हैं, अदर जो हैं वो जा रहे हैं। इनफैक्ट ये है ना 25 जो गैरेज नंबर 25 है ये तो खाली है, सब चले गए 25 एंड 26 बहुत।